मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान डिप्टी मेयर हरसिमरनजीत सिंह बंटी, पार्षद विक्की कालिया से वैदिक रीति अनुसार श्री गौरी गणेश, नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, कलश पूजन उपरांत पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस सप्ताह भैरव जयंती के अवसर पर श्री शनिदेव महाराज के जाप उपरांत माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में भी विशेष रूप से आहुति डाली गई। इस मौके पर मां बगलामुखी धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जो सुख चाहता है वह हर जीव आस्तिक है। आश्चर्य इस बात का होता है कि लोग खुद को शरीर मानते हैं और शरीर से जुड़े सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, जबकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। इस अवसर पर श्रीकंठ जज हंसराज राणा, गुलशन शर्मा, गौरव कोहली, मुनीश शर्मा, राजेंद्र कत्याल, बलजिंदर सिंह, अमरदीप सिंह मधुकर, अश्विनी शर्मा धूपवाले, बलदेव शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, रोहित मल्होत्रा, पंडित रमाकांत शर्मा, विवेक शर्मा, रोहित बहल, श्यामलाल, गुरबाज सिंह, मुकेश चौधरी, अभिलक्ष्य चुघ, सुनील जग्गी सहित बड़ी संख्या में मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अपना मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण मतलब किसी भी जाति च पैदा जरूर हो सकता, पर जिहड़ा उहदा कर्म है उसके अनुसार ही उहदा धर्म बदल जाता है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर जमया होया ब्राह्मण वर्गे विचार रख के बैठा होगा, नहीं। कई सिंह साहबान बिल्कुल धर्म को मानते हैं, नाल चलते हैं, बाणी का अनुसरण असं भी करते हैं और महाराज के शीश निभाने हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि वह सरदार फैमिली पैदा होया या कोई होर वर्ण के पैदा होया, कोई खत्री पैदा होया या कोई अरुणिया पैदा होया तो वह ब्राह्मणा जिन्हें गुण नहीं लै सकता।